मैक्सिमम लोगों को आदत है, आदत होती है कि वो टमी के अगेंस्ट होते हैं, राइट? वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखो क्विक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं स्लीपिंग बैग को कैसे यूज करना है, राइट? बट बिफोर यू गेट इनटू द स्लीपिंग बैग, हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं लाइनर। वैसे तो अभी गर्मी का मौसम है, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होगी, फिर भी एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए आप इसको यूज करो। अगर आपको बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो इसको निकाल के पिलो के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, बट पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसको यूज करें, है ना? ओके, तो जो भी काम होगा वो आपको थोड़ा नीचे बैठ कर ही करना पड़ेगा, है ना? बिकॉज टेंट की हाइट इतनी है कि यू कैन नॉट स्टैंड, राइट? सिंपली वेरी फर्स्ट यू हैव टू लाई डाउन योर स्लीपिंग बैग, उसके बाद आपको ये लाइनर ऐसे लेटा दिया, इसमें हुडी होता है, देखो हुडी, राइट? ये ऐसे डाल दिया। अब आपको अपने आप को पहले लाइनर के अंदर डालना है। सी, ये होता थोड़ा सा चैलेंजिंग, आप खड़े तो हो नहीं सकते, अब आपको थोड़ा हॉपिंग करनी पड़ती है, ये किया फिर ये किया, मतलब अपने आपको एडजस्ट करना पड़ता बड़े अच्छे से। मेक श्योर कि आपके पैर प्रॉपर टच हो नीचे, क्लियर? एंड देन यू आर गोइंग टू यूज योर हुडी, ये आएगा आपके हेड पे, ये हो गया आपकी पोजीशन लाइनर के अंदर, ठीक है जी? नाउ नेक्स्ट आपको घुसना है कहाँ? स्लीपिंग बैग के अंदर। रिमेंबर, ये जो काम है ये आप अकेले ही करोगे, ओके? बिकॉज आप किसी की हेल्प नहीं ले सकते इसमें। हेल्प लेंगे गुड, बट जो लास्ट पर्सन होगा उसके लिए कोई नहीं बचता फिर हेल्प करने के, फिर सब हो जाते हैं ऐसे, फिर वो कैसे हेल्प करेंगे? तो इसलिए बेटर है आप अकेले से ही करना, जितना आप जो भी है ना। उसके बाद स्लीपिंग बैग की जिप निकाल दी। अब इसमें स्लीपिंग बैग अलग अलग तरीके के, कुछ स्लीपिंग बैग में जिप हाफ है, कुछ में फुल होगी, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, जिप होनी चाहिए बस, लगनी चाहिए वो, ठीक है? इसके बाद देखो इसके अंदर घुसना, इसको भी सेम पैर नीचे तक, फिर ये जो चीज़ यहाँ पे इकट्ठा हुई है इसको आप पूरा स्ट्रेच करो, क्योंकि मैं बहुत गर्म है, बची रही है हुडी, ये हुडी। एंड देन अब ये वाला सिस्टम थोड़ा सा आपको ट्रिकी लगेगा जिप लगाने का। ओके लिसन गाइस प्लीज, अकेले में अगर आपको लगता है कि जिप नहीं लग रही अच्छे से, तो आपने क्या करना है, एक हाथ अंदर से इसको पकड़ा, सेकेंड हैंड से जिप को यूज करना है। मेक श्योर कि आप जिप को बहुत जेंटली प्यार से यूज करोगे, काफी लोग क्या करते हैं फिर ये ही निकल जाती है, फिर हमारे पास सॉल्यूशन नहीं है, राइट? इसको जितना प्यार से यूज करोगे उतना बेटर है। कई बार क्या होता है कि जिप इसमें फंस जाती है तो ऊपर नहीं आ जाती, कुछ नहीं करना है, जस्ट उल्टा करके इसको क्लियर करो। क्लियर करने के बाद यू हैव टू डू लाइक दिस, ये लग गया जिप, ओके? ये आ गया मेरे सिर हुडी में। Now this is going to be my position. अब हम बात करते हैं पोजिशन के बारे में। काफ़ी लोगों को इस तरीके से सोना अच्छा लगता है, गुड। काफ़ी लोगों को लगता है कि नहीं मुझे राइट साइड सोने की आदत है, होती है, राइट? तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ये हो गया, ओके? अब आप लेफ्ट साइड सोने वाले हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी सो सकते हो आप, जो आपको कम्फर्ट लगता है आप ऐसे सो सकते हैं। अब मैक्सिमम लोगों को आदत है, आदत होती है कि वो टमी के अगेंस्ट होते हैं, राइट? वो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, देखो इतना भी मतलब टाइट नहीं है, हो गया सिंपल, राइट? मॉर्निंग में जब आप उठोगे, ये देखो बहुत प्यार से ये किया, एक हाथ से पकड़ा, जिप को रिमूव किया, एंड देन ये फिर आपको अपने आप को स्लीपिंग बैग के बाहर निकालना है, करके खड़े आप हो नहीं सकते, फिर आपको ये करना है, ओके? इतना करने के बाद ये सब चीज़ें आप ऐसे तो नहीं फेंक सकते, राइट? टेंट भी आपका घर ही है, इसको आपने अपना घर ही समझना है, अपने घर को तो हम गंदा नहीं रख सकते, है ना? हम नहीं बोलते कि आप इसको प्रॉपर फोल्ड करो, वी आर जस्ट सेइंग कि आप इसको जस्ट एक सिंपली मतलब थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से आप रख सकते हैं, सो दैट कि बाद में जब हम कैंप मूव करेंगे जो हमारे जो स्टाफ मेम्बर है उनको ईजी हो जाता पैक करने के लिए, है ना? ये और मेक श्योर कि जब आप टेंट को कल रिलीज करेंगे, टेंट को आपने अच्छे से चेक करना है कि आपका ज़रूरी सामान ना छूटे। काफ़ी बार होता है कि आपके ज़रूरी सामान जैसे मोबाइल हो गया, कैमरा, बहुत सारी चीज़ें टेंट में रह जाती हैं, फिर वो इसी में गोल हो जाती है ना? कई बार वो मिल भी जाती है, कई बार मिसप्लेस हो जाती है,
तो आपने आपकी जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं उनका खास ख्याल रखना है ना। काफ़ी बार क्या होता है घर जाके आपको याद आती है कि वो रह गया था वहाँ, अब क्या पता आपके बाद और लोग आएंगे तो हमें नहीं मिलेगा ना वो सामान, इसलिए आप अपने सामान का खुद केयर करोगे, क्लियर है। दूसरी चीज़, टेंट्स बिल्कुल नए हैं, ओके, बहुत कॉस्टली होते हैं, ऑल्सो यहाँ तक लाना मतलब इट्स नॉट ईजी, मजाक नहीं है, राइट। तो इनको आपने केयर करना, ये आपकी जिम्मेवारी है, ओके। खास करके इसके अंदर आप फायर यूज़ नहीं करोगे, नायलॉन का है, थोड़ी सी चिंगारी लगी फैल जाएगी, ख़त्म है ना, फिर हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा टेंट वालों को, और आपसे भी फिर इसकी पेनल्टी लगेगी, ओके। और ना ही इसके अंदर आपने शार्प चीज़ें यूज़ करनी, जैसे नाइफ एंड ऑल, राइट। बाकी इट्स ऑल योर्स, इट्स योर हाउस, जिप के बाहर वाला जब, खास करके पीछे वाला वो निकलता नहीं है ना, तो आगे वाले में आप जब आप एंड में जब आप सोने जाओगे, बाहर वाली जिप लगाओगे, तो आपका जो एक्स्ट्रा लगेज अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हो गया बैग, तो इसके अंदर डाल सकते हैं। और शूज़ का खास ख्याल रखना है, काफ़ी लोग शूज़ बाहर छोड़ देते हैं, रात को बारिश आ गई तो गीले हो जाओगे, तो शूज़ इसके अंदर है ना, ठीक है। बाकी मेरी तरफ से क्लियर है आप।